कि आज सारी दुनिया पैदा करने वाले को भूल चुकी है। दुनिया में हर शख्स ने हर एक को याद रखा है, नहीं याद रखा तो किसको? पैदा करने वाले। ऐसे मौके पे कोई सुबह से लेके शाम तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करे, और एक दिन नहीं, एक दिन फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, तो इफ्तार की लज्जत में सिर्फ भूख खत्म करने की लज्जत नहीं है, असल लज्जत यह है कि जिस खुदा के लिए सुबह से शाम तक कुर्बानी दी, वो खुदा हमारी इस इफ्तारी पर भी हमसे खुश हो रहा है, वो हमें खाता देख के खुश हो रहा है। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, कैसी प्यारी दुआ, ज़हबा फरमाते प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक रगे तर हो गई, और आगे फरमाते वसबतल अजरु इंशा अल्लाह, और अल्लाह ने चाहा सुबह से लेके अब तक अल्लाह के लिए जो हमने कुर्बानी दी है वो अजर हमारा साबित हो गया।